समय भक्तों, आज बेटा प्रहलाद की कुमारी गुरु बनी है और बेटा प्रहलाद से कहा है, बेटा प्रहलाद अगर तुम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो मेरे प्रभु का नाम रटो, दिन रात दुनिया के चरणों में ध्यान रखो बेटा, तो भगवान स्वयं तुम्हें प्रकट कर लेगी। तो धर्म मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, आज बेटा प्रहलाद को राम राम की रटन लगी है। जब राम राम के दीवाने हो चुके हैं तो एक बार की बात बतो, बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब स्कूल में पहुंचे हैं तो गुरुजी ने कहा है, बेटा प्रहलाद बोलो। गुरुजी ये कह रहे हैं, हाँ ये सब बैठे हैं ना जैसेगा, हाँ हाँ तो इन्हें तुम इमला लिखवाई दे। जिन्हें इमला लिखवाई दे, हाँ कहे गुरुजी, हाँ और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बैठा हूँ अभी इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग सही नहीं है, और बेटा प्रहलाद तुम लिखवा दो ने। जिन्हें हम लिखवाई दे इमला, हाँ बेटा मंजेश पट्टी निकाल लो, आज हम तेरे मासा हुए हैं। लिखो अब तो भाई कक्का, बेटा प्रहलाद लिखवाने लगे हैं इमला, और कैसे कि पट्टी सब हाथ रखियो अपनी संभाल के, सब हाथ रखियो अपनी संभाल के, पट्टी सब हाथ रखियो अपनी संभाल के, पट्टी पे पट्टी पे पट्टी पे लिख दो प्यारे नाम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे नाम को संभाल के, आज बेटा प्रहलाद ने इमला लिखवाई है। तो बेटा प्रहलाद कहने लगे हैं, काय मासाब, हाँ बेटा प्रहलाद जिनकी पट्टी तो भर गई, अब यहाँ पे दस्तखत तो करते हो, दस्तखत ना तो मोहर तो लगवाई दे हो। मोहर? हाँ। अच्छा वो सिग्नेचर कहते हैं, क्या कहते हैं बंते? अबे सिग्नेचर। अच्छा सोई तो ना? हाँ मासाब लगवाई दे, ठीक है लगा रहे हैं। बेटा प्रहलाद ठीक है लगाए दे, लग गए मासा बाबा। अरे प्रहलाद मैंने ये क्या कर दिया? काय मासा तुमने ये क्या लिखवाया है? महाराज मासा, हाँ जी कापी सड़ेगा ये देखिए। अरे वो रहने दो, लेकिन ये बताओ ये तुमने लिखवाया क्या है? राम राम मासा जो तुमने बताई बीज को देख लो, पढ़ के देखो तुम पढ़े ना। अरे जाते तो जी लिखिए, राम राम को नाम लिख रहे हो जाते।
मासा जो तुम बताए गए भैया हमने रिकवा बना टिंकुआ के टिंकुए पूछ लो यार।